उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके कारण 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 31 घायल है। घटना के बाद का मंजर आप यहां देख सकते हैं। राहत बचाव कार्य के बाद पटरी को सुचारू करने का काम जारी है। क्रेन की मदद से पटरी से ट्रेन हटाई जा रही है। एक एक करके कोच को हम वापस पटरी पे या उसको धकेल के दूसरी तरफ कर रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सकेगा हम कुछ कोशिश कर रहे हैं। अभी वही मैं चेक कर रहा हूँ कितनी जल्दी इसको कर सके। हमारे पास जो भी इक्विपमेंट चाहिए थी सारी हैं अभी, और जल्द से जल्द हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इन हालातों को देखकर समझा जा सकता है कि हादसा कितना खतरनाक होगा। हादसे के पीड़ित ने अपनी आपबीती सुनाते हुए क्या कहा, सुनिए। कहाँ से आ रहे थे? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ क्या कहाँ रहे थे? मैं बिहार। कौन कौन आपके साथ था? मैं था, मेरे वाइफ थी, मेरे बच्चे थे, एक मेरे भतीजा था। अच्छा, तो क्या हुआ, कहाँ पे क्या हादसा, कुछ याद है कैसे घटना है? ये पता नहीं चला हमको कैसे घटना होगी। मेरे बच्चे को जो फ्रैक्चर हो गई ना, जब गाड़ी पलटी कर गई, डिब्बा पलटी कर गई, तो हम लोग खड़े हो गए, ठीक है। मेरे बच्चे का हाथ जो है नीचे ही दब गया, वो गिट्टी वाला जो है ना उसको लग गया पूरा फ्रैक्चर, ये टूट करके ये पूरा फ्रैक्चर हो गया। नहीं, हमको चोट लगा, यहाँ पे लगा, मेरे वाइफ को उंगली में चोट लगी हुई है। भतीजा वहीं पे है, वो पुलिस वाले जो उनको शिफ्ट कर दिया है, सारे सामान तमान उसी के पास है। हाँ जी, तो आप कौन से बोगी में थे? स्लीपर में थे, किसमें थे? जनरल वाले में थे। तो अचानक कोई आवाज आई, क्या जैसे कोई आवाज आता है जैसे हवा की, जो हाँ बैठे हुए थे, ट्रेन पलट गई, आवाज आई कैसे, जैसे कोई चीज नहीं हल्ला शोर मचाता है उस तरह की आंधी की तरह आया। अब पता नहीं कैसे हम लोग ये सोच रहे कि क्या हुआ, जिसके बच्चे को मेरे हाथ से जो नीचे चला गया, वो देखता हूँ कि इसका ब्लड जा रहा है, मेरा पूरे ब्लड लग गया इसमें, पूरे ब्लड लगा हुआ है ना। ये कह रही कि मैडम कह रही कि बच्चे का हाथ कट गया, हम बोले कैसे देखो। तब उसके बाद एक लड़े वहीं को था, उनसे तोलिया लिया, उसके बाद का हाथ को लपेट कर बांध दिए। अब वहाँ पे सारे आदमी रो रहे हैं कि हमारे बच्चे को कोई देखने वाला नहीं है। तो एम्बुलेंस वाले को फोन किया, तो आया एम्बुलेंस वाले, उसके बाद वहाँ कौन सा हॉस्पिटल था वहाँ पे सीट वी दी लगाई बच्चे को, वहाँ थोड़ा सा ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद बोला कि मैं ही बोला उसको कि मेरे बच्चे को रेफर कर दो बढ़िया हॉस्पिटल में, ताकि हमारे बच्चे को देख रेख होगा बढ़िया से, मेरे बच्चे को जान बच जाए। मैं रोते रह गए, पूरा सारे आदमी देखते रह गए, तब अंत में जाकर के रेफर हुआ। बता दें कि इस हादसे के बाद पीड़ितों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कुछ गंभीर पीड़ितों को बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इस हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना दुख जताया था।